आगे बढ़ते हैं। अब राणा साहब, पाकिस्तान तहरीके साहब वालों को सीधा मौके फेंके, मार के फेंके मार्च अप्रैल तक वो इंतखाबात देख रहे हैं। अगर आप लोगों की बात की जाए, आपकी पार्टी की बात की जाए, पीडीएम की बात की जाए सबकी, तो आप लोग तो मुद्दत पूरा करना चाहते हैं और खबरें तो यहां तक आ रही कि मुद्दत से भी थोड़ा टाइम ऊपर जा सकता है, तो अब किसकी बात पर यकीन किया जाए? पीटीआई कहती है इलेक्शन हो जाएंगे, आप लोग कहते हैं कि पंजाब भी इनके हाथ से चला जाएगा। देखें, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल मुस्तासन तो यही है कि असम्बलियाँ अपनी मदद पूरी करें, और ये वही असम्बलियाँ हैं जिसके मतलब जब तक हुकूमत में थे तो खान साहब कहते थे कि एक दिन पहले भी इलेक्शन नहीं कराऊंगा, एक दिन भी हम नहीं छोड़ेंगे और मदद पूरी करेंगे। तो अब जो है वो कहते हैं कि ये फौरी करवाए जाए, लेकिन फौरी तौर पर हमारी नज़र में जो मसला है वो ये है कि इस आदमी ने जिस तरह से माशियत का, इकोनॉमी का बठा बढ़ाया है और जो तबाही की है इसने 3.5-4 साल में, इस वक्त मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो क्राइसिस में है। सबसे पहले सब बैठे, सब जुड़े और मुल्क को जो है वो इस तबाही से जो है वो बाहर निकालें। ये किसी एक पार्टी की ना जिम्मेदारी है ना काम है, ये सबकी जिम्मेदारी है और सबका काम है कि मुल्क इकॉनमी को बेहतर किया जाए, मौशियत को बेहतर किया जाए। उसके बाद फिर ठीक है, इलेक्शन होंगे, ये जीत जाएंगे तो ये गवर्नमेंट बना लेंगे, हम जीत जाएंगे तो हम बना लेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे इस वक्त जो मसला दरपेश है वो इलेक्शन नहीं है, वो ठीक है राणा साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।